सो वेलकम टू माई चैनल। आज हेडिंग से देख सकते हैं आप क्या बताने जा रहे हैं कि अगर आप लोगों को बिहार से ही एमटेक करनी हो तो आपको बताने जा रहे हैं कि टॉप 10 टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज जो एमटेक के लिए है। एमटेक कोर्स भी बिहार बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्ट हो के लास्ट सेशन से थ्रू गेट एग्जाम्स, ठीक है। गेट के स्कोर के बेसिस पे आपके कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से ब्रांचेज हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बीटेक पास आउट हैं, अगर आप जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आप आइदर वो जॉब्स कर लीजिए, जॉब्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, जैसे आप कोचिंग लेना हो, ऑनलाइन कोर्स लेनी हो उसके तहत, अगर आप वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन में कि कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, अगर गेट का स्कोर अच्छा है आपका, अच्छा मतलब जस्ट क्वालिफाई है, फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपको एग्जाम्पल कितना गेट स्कोर चाहिए एडमिशन के लिए। एक है आपका जैसे कट ऑफ इस बार गया है, कट ऑफ गेट का 2023 का बता रहे हैं आपको, सिविल का एग्जाम्पल ही है, हर ब्रांच का ऐसे ही होगा, आपका 26.6 है आपका यूआर का, ठीक है, 26.6 है यूआर का कट ऑफ। इस कट ऑफ से अगर आपका 10 मार्क्स ज़्यादा हो, मतलब 10 मार्क्स ज़्यादा हो, डैट मीन्स 36.6 10 मार्क्स दो होगा, दूसरा है 20 मार्क्स ज़्यादा हो, डैट मीन्स हुआ 46.6 और 30 मार्क्स ज़्यादा हो तो कितने हो गया 56.6, ठीक है। तीन रेंज का है, अगर आप इस रेंज में हो तो आपको आईआईटी मिल जाएगा, आईआईटी मतलब टॉप 7 आईआईटी छोड़ के जितने भी ओल्ड आईआईटी है, ठीक है, 7 आईआईटी है, उसमें आता है आईआईटी बम्बई, ठीक है, आईआईटी बम्बई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, एक होता है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी। तो आपका जो ये 7 कॉलेजेस हैं 1 2 3 4 5 6, अगर आपका 7 कॉलेज लेना है तो इसमें आप 40 ऐड कर दीजिए कट ऑफ से, ठीक है, 40, डैट मीन्स कितना हुआ, ये हो गया 66.6। तो अगर आपका स्कोर गेट मार्क्स 66.6 है, आप कोई भी ब्रांच लेना चाहते हो किसी भी कॉलेजेस में, टॉप 7 आईआईटीज आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, ये पहला रेंज होता है। सेकंड रेंज है, अगर आपका स्कोर है 56.66 तो आपको सेकंड टीयर के जो आईआईटीज हैं उसमें आपको मिल जाएगा एमटेक इजीली। फॉर एग्जांपल है आईआईटी पटना, आईआईटी, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी भुवनेश्वर, तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, अभी टोटल 22 आईआईटीज हैं इंडिया में, ठीक है, तो ऐसे कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा इजीली, किस स्कोर पे 56.6 स्कोर पे इजीली मिल जाएगा। अगर आपका रेंज है 46.6 में, उससे आप 20 मार्क्स अगर ज़्यादा हो कट ऑफ से, तो आपको टॉप एनआईटी मिल जाएगा, टॉप एनआईटी, ठीक है, जिसमें आता है एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी, ठीक है, ये सब एनआईटी सूरत का आपको ये कॉलेज से सब मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। अगर आपका रेंज है 36.6 में, देन आपको एनआईटीज इजीली मिल जाएगा, एनआईटीज टोटल एनआईटीज कितनी है 32, तो टॉप 10 एनआईटी छोड़ के आपको कोई भी एनआईटीज इजीली मिल जाएगा 36.6 पे भी, किसी भी कैटेगरी से आप क्यों नहीं हो, ठीक है। और इसमें भी ब्रांच पे डिपेंड करेगा थोड़ा स्कोर, अगर मान लीजिए इसमें भी स्कोर कम है, अगर एक चीज़ याद रखिए 400 प्लस स्कोर आपका है किसी भी कैटेगरी से है तो आपको एनआईटी मिल जाएगा आसानी से। अगर आपका 350 प्लस है तो आपको ब्रांच नहीं मिलेगा एनआईटी में, बट एनआईटी मिलने का चांस है, जैसे वाटर रिसोर्स होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये सब आपको मिलने का चांस रहता है 350 प्लस पे, अगर आप कैटेगरी से, तो ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा एनआईटीज में ये होता है। थर्ड कैटेगरी हुआ जस्ट आपका क्वालिफाइड मार्क्स है 26.6, ठीक है, या दूसरा हो सकता है जैसे यूआर का ये क्वालिफिकेशन है, ओबीसी का वैसे ही 23 है, ठीक है, 23 प्लस के आसपास है, ये ओबीसी का कट ऑफ है, एनसीएल होता है नेशनल लेवल पे, अगर इसके जस्ट कट ऑफ के आसपास है आपका, ठीक है, तब आप कौन सा कॉलेज लीजिएगा। तो उसके बाद होता है, देखिए एक रेंज चलता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल इंडिया में कितना है 47। देखिए थोड़ा जानकारी दे देते हैं, अच्छी रहेगा आप लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। पहले देखिए टोटल आईआईटी इंडिया में है आपका 22, एनआईटी आपका है 32 और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका टोटल 47।
इसमें से दो है आपका बिहार, एक आईआईटी भी बिहार में है, कौन सा है, आईआईटी पटना, एनआईटी भी बिहार में है, वो एनआईटी पटना। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है, एक को हम लोग बोलते हैं साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, ये आपको पड़ता है गया डिस्ट्रिक्ट में, और एक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये पड़ता है आपका मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, मोतिहारी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मोतिहारी में पड़ता है, ठीक है। और एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रसाद, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये पूसा समस्तीपुर है, कहाँ है, समस्तीपुर। तो आपके पास तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, एक आपका आईआईटीज है, एनआईटी है, इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस है बिहार में जो एमटेक कोर्स स्टार्ट करती है, ठीक है। तो आपका टॉप रैंकर आप आईआईटी में जा सकते हैं, उससे कम स्कोर वाले हैं तो एनआईटी ले सकते हैं, उससे भी कम है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इनरोल करवा सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी सब ब्रांचेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार दोनों में देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एमटेक होता है, ठीक है, तो आपको सब ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में जाइएगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस है, डेयरी प्रोजेक्शन है, फूड प्रोसेसिंग है, इस ऐसी ब्रांच में यहाँ पे क्या होती है, एमटेक होती है। इसके बाद लास्ट आपका है कुछ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में भी एमटेक स्टार्ट हुई है, तो उसी के बारे में आपको एक शॉर्ट जानकारी, चूँकि अभी गेट का रिजल्ट आया है तो आप देख के आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर पर है मेरा आईआईटी पटना ही रहेगा, ठीक है, आईआईटी पटना। तो आईआईटी पटना में आपका अगर स्कोर 55 प्लस है तो आप इजीली कर सकते हैं। कितना स्कोर गेट का सिविल के लिए ये हो गया, बाकी स्कोर नहीं बता देने जा रहे हैं। अगर ये बोल सकते हैं कि कट ऑफ से अगर आपका, ठीक है, 30 मार्क्स ज़्यादा है तो आप आईआईटी पटना में इजीली जा सकते हैं। दूसरा कॉलेज है एनआईटी पटना, ठीक है, एनआईटी पटना इस समय ऑल ब्रांच का होता है, याद रखिएगा, इस समय क्या होगा, सब ब्रांच की एमटेक होती है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद भी बहुत सारा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फूड प्रोसेसिंग्स, तो बहुत सारे ब्रांचेज है इसमें, तो आप किसी में यूज़ कर अप्लाई कर सकते हैं। एनआईटी पटना इसमें कट ऑफ से अगर आपका 20 मार्क्स ज़्यादा है, और स्लाइस मार लीजिए इसमें 15 मार्क्स, ठीक है, अगर इतना ज़्यादा है तो ईजिली आपको मिल जाएगा कौन सा, एनआईटी पटना। थर्ड में आता है आपका वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, साउथ बिहार, ठीक है, ये गया डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत अच्छा कैंपस है, यही भी 375 एकड़ की कैंपस है, याद रखिएगा 375 एकड़ में कैंपस है ये, तो इसमें से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी सिर्फ कंप्यूटर साइंस में हो रही है, कंप्यूटर साइंस में ही आपका एमटेक कोर्स होता है, एक ही ब्रांच का हो रहा है। इसके बाद चौथा नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, ठीक है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं एमटेक गेट के स्कोर पे, यहाँ पे भी एमटेक सिर्फ हो रहा है अभी कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपका चार कॉलेज हो गया, ये चारों है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एक और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट जिसमें एमटेक की कोर्स होती है, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये पड़ता है आपका पूसा समस्तीपुर में, समस्तीपुर, ठीक है। इसमें आपका जो एमटेक हो रहा है उसमें एक तो एग्रीकल्चर रहेगा ही, इसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी भी है, इसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग से डेयरी है, तो बहुत सारे इसमें भी कोर्सेस है जो गेट के स्कोर पे, जितने भी आपको हम बता रहे हैं सब ये गेट स्कोर पे इसमें एडमिशन होती है, ठीक है, तो आप जाके इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से कौन कौन से कॉलेज से आपका इंजीनियरिंग की मतलब एमटेक की कोर्सेस स्टार्ट हुई है, और उसके अंदर कौन कौन से ब्रांचेस हैं जिसमें आप एमटेक गेट के मार्क्स पे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें बिहार, आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार, प्लस कर दीजिए प्राइवेट भी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, फॉर एमटेक, एमटेक के लिए कहाँ कहाँ पे। बहुत के मन में होगा कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, देखिए बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि क्या करें आगे,
ठीक है। तो एक ऑप्शन अच्छा है, टेक आप ले सकते हैं इनरॉल, जिसके पास अगर बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियल ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, फैमिली की जॉब्स की रिक्वायरमेंट कम है, तो आप हायर एजुकेशन भी ले जा सकते हैं। आप जब एम टेक इनरोल करवाइएगा तो 12,400 आपको मंथली स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ये 2 ईयर्स तक के लिए मिलता है, ठीक है। और एम टेक की फ़ी बहुत कम होती है, आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में तो और फी कम है, पर सेमेस्टर मैक्सिमम मान लीजिए 15,000 रुपीज़ जाएगा। तो अगर एक महीना का आपका जो स्कॉलरशिप आएगा वो आपका पूरे सेमेस्टर फ़ी हो जाती है, तो आपको आसानी से किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है, जो भी स्कॉलरशिप दिया जाता है ये आपका पूरे सेंट्रली फंडेड होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से दिया जाता है। तो इसीलिए आप ठाड़ी न रख के आप एक जानकारी भी रखिए कि बिहार में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप बाहर जाके कहीं पे एडमिशन करवाते हैं प्राइवेट में, उससे अच्छा है कि बिहार में रह के ही पढ़िए, और अपॉर्चुनिटी बहुत है, अगर एमटेक कर लेते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी डबल हो जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं बैठारी रह पाइएगा। तो इसी के रिगार्डिंग देखिए, पहला नाम है हमारा वो है AKU पटना। AKU क्या है? हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, ये आपको पड़ता है मिठापुर में। कहाँ? ये मिठापुर में। ये कौन से कॉलेज है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है, नॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ? ये आपका पटना में पड़ता है। इसमें जाइएगा, इसके अंदर आपका एमटेक का टोटल 7 कोर्स है। कितने हैं? 7 कोर्सेज होती है। कौन कौन से हैं थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में बता देते हैं, आप जाके वेबसाइट जाके सर्च कर दीजिएगा, डायरेक्ट AKU पटना मानिएगा, आपको डिटेल्स है वहाँ पे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे डेयरी में है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की ब्रांचेज यहाँ पे, जैसे डेयरी में है, स्पेस साइंस में होता है, इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे ब्रांचेज में यहाँ पे एमटेक होती है गेट के थ्रू। तो ये आपका था पहला। सेकेंड नंबर पर है आपका दूसरा नंबर, दूसरा कॉलेज का नाम बता रही हूँ, वो है भागलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, ठीक है, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये फुली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार है, अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इसमें भी एमटेक की कोर्सेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी वर्तमान में यहाँ पे आपका जो कोर्स है सिविल में है, ठीक है, सिविल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है और आपका शायद मैकेनिकल्स में भी है। तो इस 3 ब्रांचेज में आप एमटेक कर सकते हैं। कहाँ से? BEC भागलपुर से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर। हर एक में शायद 30 सीटें हैं, जाके आप वेबसाइट पे विजिट करके और डिटेल से ले सकते हैं वहाँ से जानकारी, कितनी सीटें हैं, क्या प्रोसेस है, बट गेट के थ्रू एग्जाम्स होती है। ऐसे कॉलेज में आपको गेट में जस्ट आपका कट ऑफ क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल 26 पॉइंट आपका कट ऑफ है, UR के कट ऑफ है, अगर आपका 26, 27, 28 मार्क्स है तो ऐसे कॉलेज आपको ईजिली मिल जाए, ठीक है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। दो कॉलेज हो गया AKU के भागलपुर के बाद, तीसरा कॉलेज है आपका जहाँ पे एमटेक कोर्सेज होती है, वो है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार के डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ में है, दरभंगा डिस्ट्रिक्स में है, यहाँ पे भी एमटेक कोर्सेज स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है आपका एमटेक कोर्सेज, ठीक है, 3-4 नंबर पे है, ये है एमआईटी मुजफ्फरपुर, ठीक है, एमआईटी मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिएगा टोटल जो ब्रांचेज है इसमें, यहाँ पे मैकेनिकल में होती है मैकेनिकल, इसके बाद आपका सिविल, ठीक है, सिविल में भी एमटेक है। 4th नंबर हो गया, 5th नंबर पे जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ होती है, ये वह नालंदा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ये चंडी में पड़ता है,
सेवेंटी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल बोल सकते हैं, ओवरलैप करते हैं दोनों ब्रांच, और आपका सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इतने ब्रांचे में यहाँ पे भी एम टेक की कोर्स होती है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा है, ठीक है, इसके अलावा है आपका चौथा सिक्स नंबर पे होता है गया इंजीनियरिंग कॉलेज, गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया, गया में भी आपका बीटेक, यहाँ पे भी एमटेक के कोर्सेज है और पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपका सिविल है, ठीक है, मैकेनिकल है और आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इस पर देखिए सिविल में क्या किया है बिहार में, जैसे हर एक ब्रांच में 30 सीटें, जैसे जब भी हम लिख रहे हैं सिविल, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कॉलेज में जियोटेक की पढ़ाई होती है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एक कॉलेज में होती है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एक में होता है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इस तरह से है हर एक, बट हर एक कॉलेज में कितने हैं 30 सीटें, तो आपका जो स्पेशलाइजेशन लेना हो अकॉर्डिंग टू आप कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये सिक्स नंबर का कॉलेज हो गया, यहाँ पे भी आपका तीन ब्रांचेज में होती है, मुजफ्फरपुर चंडी हो गया। इसके बाद आपका कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है, ठीक है, एक और गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे होती है, वो है आपका बिहार, सेवेंथ नंबर पे है बिहार एनिमल, ये पटना में आगे चल के बहुत अच्छी कैंपस बनने वाली है, इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ये पटना में पड़ता है, कहाँ पे पटना, बिहार एनिमल साइंस, इसके अंदर आपका एम टेक होता है डेयरी साइंस में, याद रखिए डेयरी साइंस, डेयरी साइंस में होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग से डिपार्टमेंट से जो भी किए हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग से आपका बी टेक है तो आप, या एग्रीकल्चर से है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना, के बाद आपका दो तीन कॉलेज आपको और बताते हैं, एक है आपका कॉलेज ऑफ, ये सेवेंथ एट नंबर होगा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी है पूसा समस्तीपुर में, पूसा समस्तीपुर, ठीक है, ये भी अंदर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अंदर तीन, अभी तीन कोर्स चल रहा है एमटेक का, बहुत अच्छा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी प्रोडक्शन, ठीक है, और फार्मेसी, इसके बाद पावर इंजीनियरिंग, इस तरह से ब्रांचेज में यहाँ पे क्या होता है एमटेक होता है, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र। और इसके बाद आपका कुछ प्राइवेट कॉलेज है, देखिए एक है आपका नाइन्थ नंबर पे है बिहार एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये है आपका भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर, भागलपुर में, ठीक है, यहाँ पे भी आपका एमटेक का कोर्स स्टार्ट हुआ, इसमें भी आपका क्या होगा एग्रीकल्चर बेस्ड आपका कोर्स होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, तो इस तरह के कोर्सेस आपको यहाँ पे भी मिलेगा, वो भी गेट के थ्रू, और एकदम मिनिमम स्कोर पे हो जाएगा। इसके बाद है कुछ प्राइवेट आपका कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है जो बिहार के अंदर एमटेक के कोर्स करवाती है, उसमें सबसे पहले आता है के यूनिवर्सिटी, के यूनिवर्सिटी, ये आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, इसमें आपको सिविल में, ठीक है, इसके बाद आपका मैकेनिकल में और आपका कंप्यूटर साइंस में आपको एमटेक का कोर्स करवाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सी वी रमन यूनिवर्सिटी, ये आपका पड़ता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पूरे, ये जो आपका मुजफ्फरपुर वैशाली हाजीपुर नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में भगवानपुर के नियर, कहाँ पर पड़ता है भगवानपुर, ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, इसमें भी आपको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीएससी, इसमें प्लस पीएचडी भी होती है, याद रखिएगा पीएचडी भी कोर्स होती है। तीसरा है आपका संदीप यूनिवर्सिटी, ये आपका है सीजौल, ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है ये, मधुबनी में है, यहाँ पे भी आपको एमटेक का कोर्स होता है सिविल मैकेनिकल, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज है याद रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोर्सेस होती है। तीन हो गया प्राइवेट, चौथा प्राइवेट है आपका, एक है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बीटा पटना, यहाँ पे भी आपको एमटेक का कोर्स मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप
बिहार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप एमटेक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो फूड से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड जो कैटेगरीज है, जिससे आप आपका बीटेक, अगर मान लीजिए आपका बीटेक है फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी इस तरह के, उसमें बीटेक है तो आप कर सकते हैं। एक है आपका संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी है कहाँ पे, पटना में पाटलिपुत्रा कॉलोनी के आसपास है ये, इसमें भी आप एमटेक कर सकते हैं, एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी अच्छा है, जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जिनका बीटेक है वो यहाँ पे आप आसानी से एमटेक कर सकते हैं। और जितने भी ये कॉलेज के नाम बताए हैं आपका, ये मिनिमम गेट स्कोर पे हो रही है, इसमें आपको ज़्यादा गेट स्कोर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आप इजीली क्या करिए, प्राइवेट से कहीं एडमिशन लेने से अच्छा है कि देखिए गेट का स्कोर के बेसिस पे आप कहीं से भी एमटेक करिएगा, आपका महत्व से ही, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अगर आपका हाई स्कोर है तब तो सबसे बेस्ट कॉलेज IIT है, फिर आपका NITs है, ठीक है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसके बाद आप रखिए यहाँ पे, आप मेरे हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं, पहले स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज रखिए, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को रखिए, तब आप जाइए प्राइवेट में। ठीक है, लास्ट में किसको रखिए आप प्राइवेट में, और पटना में एक और है, एक कॉलेज या सर प्राइवेट में, वो है एमईटी यूनिवर्सिटी पटना, यहाँ पे भी एमटेक की कोर्सेज होती है आपको सिविल ब्रांच कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, गेट स्कोर आपका लो है तो आप ऐसे स्टेट कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कर सकते हैं, जैसे आपको बताएं सबसे अच्छा है MIT, ठीक है, MIT है, फिर भागलपुर, फिर आपका हो जाता है गया, नालंदा, फिर आपका है एक गया नालंदा, मुजफ्फरपुर हो गया, आपका है मोतिहारी, ठीक है, ऐसे कॉलेज में ले सकते हैं। ये हो गया स्टेट वाला, जो सेंट्रल में आता है IIT पटना, NIT पटना, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी, इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर पूसा, ठीक है, पूसा समस्तीपुर, इसके बाद है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपका है भागलपुर, इसके बाद है आपका वही पूसा में एक और है एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूसा, इसके बाद आपको इतने सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप एमटेक की कोर्सेज कर सकती हैं। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या क्या बताया आपको, KK यूनिवर्सिटी है नालंदा में, संदीप यूनिवर्सिटी है आपका मधुबनी में, उसके बाद सीवी रमन यूनिवर्सिटी है आपका ये वैशाली में, MET यूनिवर्सिटी है आपका पटना में, तो इस तरह से बहुत सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको प्राइवेट में लेनी है, प्राइवेट से अच्छा है बेहतर है आप कॉलेज में जाके, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके आप इजीली कर सकते हैं। तो यही था आज का रिगार्डिंग वीडियोस। अगर आप किसी को भी एमटेक्स में लेनी हो एडमिशंस बिहार के अंदर, ठीक है, एमटेक इन बिहार करना है आपको विथ लो गेट स्कोर, अगर आपका स्कोर कम है तो आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यही था आपका नेक्स्ट वीडियो, आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, उसमें और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे बिहार के बारे में, हम आपको बताएंगे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज जो हो गए हैं 38 और आपका 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें से रैंकिंग के हिसाब से कि आपको कौन सी कॉलेज चूज करना चाहिए थ्रू द JEE मेंस, ठीक है, JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है बीटेक कोर्स के लिए, तो और दूसरा आपका BCC के एग्जाम के थ्रू भी बीटेक कोर्स होती है, बट जितने सीट खाली रह जाती है उस सीट पे होती है ये, तो आपको पता ही होगा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 10,000 सीटें हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में भी 10,000 सीटें। तो अगली वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के पास।